हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि जब जैसे ही सर्दियां आती हैं, हम स्पेस की समस्या को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारे घरों में इतने कपड़े निकल आते हैं, समझ में नहीं आता कि हम इन कपड़ों को कैसे स्टोर करें। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ बहुत ही काम की चीज़। ये है एक स्टोरेज बॉक्स, जो कि आपका स्पेस तो सेव करता ही करता है। आप देख सकते हो, ये फोल्डेबल बैग है। इसको मैंने किसी भी कमर्शियल वेबसाइट से नहीं मंगाया है, क्योंकि मुझे काफ़ी महंगा लग रहा था। बट इसे मैंने कहीं और से मंगाया है, और कहां से मंगाया है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं इसकी क्वालिटी की भी बात करूंगी, इसको मैंने कितने का मंगाया और आप इसमें किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने कपड़ों को रख सकते हो, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बैग जो मैंने मंगाया है, एक होलसेल शॉप से मैंने इसको मंगाया है। यहाँ आपको स्टील के, देखिए यहाँ पे फ्रेम देखने को मिल जाएंगी। इससे क्या है, इसको हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये फ्रेम मुझे लगा कि टूटा है, बट ये टूटा नहीं है। इसको बाद में मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। तो यहाँ पे देख रहे हो, इस तरीके से आपको इसको सेट करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हो, दोनों तरफ के फ्रेम को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है ना। और आगे आप देख सकते हो, एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लगी है। इससे आप अपने कपड़ों को देख सकते हो कि कौन सा कपड़ा कहाँ पे आपने रखा है। ये जो टूटा हुआ है, इसको भी मैं सेट कर देती हूँ। इसके हुक हैं, इस हुक में मैं इसको फंसा देती हूँ, बड़ी आसानी से ये सेट हो जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूँ, दो चैन सेक्शन दिए हुए हैं। एक ये ऊपर आप देख सकते हो, ये चैन दिया हुआ है। यहाँ से आप अपने कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इस बैग में भर के रख सकते हो। और इसके बाद साइड में भी एक चैन दिया हुआ है, वहाँ से आप अपने कपड़ों को निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो, ये 66 लीटर कैपेसिटी का ऑर्गेनाइजिंग बैग है। हालांकि ये कलर मुझे नहीं पसंद है, और मुझे कलर ऑप्शन भी नहीं दिया गया था। इसको परचेज करने के पहले मैंने यूट्यूब में भी काफ़ी वीडियोज देखे, तो मुझे लगा कि अमेजोन, मीसो और ये जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, यहाँ से मंगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप फिर पैसे खर्च करो उतने ज़्यादा, अगर अच्छी क्वालिटी में चाहिए। फिर मुझे अचानक से इस होलसेल शॉप के बारे में पता चला, तो मैंने फिर इसको सोचा कि चलो ऑर्डर कर देते हैं। मुझे काफ़ी कम प्राइस पे मिला है। मैं आपको बता दूँ, ये मुझे केवल 270 रुपये का बैग मिला है। हाँ, ये बात अलग है कि डिलीवरी चार्जेस आपके काफ़ी ज़्यादा पड़ जाते हैं। फिर भी चाहे जितने ज़्यादा पड़ जाते हों, आपको ऑनलाइन से ये सस्ता ही मिलेगा। मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैंने विद डिलीवरी चार्जेस को कितने में मंगाया है। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो ये मैं आपको देखिए डेमो दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैंने यहाँ कपड़े रख दिए और इस चैन को कर दिया है लॉक। और अब जब भी आपको कपड़े निकालने हैं, तो आपको इस साइड वाली चैन से कपड़े निकाल लेने हैं। ये देखिए, बहुत ही आराम से आप यहाँ से कपड़े निकाल सकते हो। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसे अपने वार्डरोब में भी रख सकते हो। इस तरीके के तीन चार, मतलब जितने भी आपको ज़रूरत हो अपने नीड के हिसाब से, इस तरीके के ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स आप मंगा सकते हो और इनको अच्छे से अपनी वार्डरोब में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वैसे ये 430 का मुझे मिला है। आप इसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप इसको मंगा सकते हैं। आप इसको ही नहीं, आप बहुत सारे सामान मंगा सकते हैं। उसका प्रॉपर एक मैंने वीडियो मंगाया है, उस होलसेल शॉप से जो जो भी मैंने सामान मंगाया है, उसका एक वीडियो आपको मिलेगा मेरे चैनल पर। इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।